आरके रूम में करण जौहर ने एपिसोड शुरू होते ही जो है चार लोगों को बुलाया, मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे, मनारा और अभिषेक। इस चीज से कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि बिग बॉस 17 के टॉप फोर जो है वो मिल चुके हैं, अंकिता, मुनावर, अभिषेक और मनारा। पांचवा आखिरकार कौन होगा, विकी होगा या ईशा होगी, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि इन चारों ने जो है इस हफ्ते बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो देखे हैं और देखते आए हैं, और बहुत अच्छे से जो है करण जौहर ने इनको टाइम दिया और गले लगाया। काफ़ी अच्छे जो है इनके फैंस तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अगर सच्ची बात बोलो तो मुझे भी उस वक्त एक थोड़ी सी चीज अटपटी लगी थी, पर लोगों का क्या कहना है पहले मैं वो बताती हूँ, और मेरा क्या मानना है इसके ऊपर मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, जो जैसे कि बुलाया बहुत सबसे ज्यादा मुनावर फारूकी ने ये चीजें सही हैं, अभिषेक ने ये चीज़ें सही हैं, मनारा ने ये चीज़ें सही हैं, अब जो है अंकिता लोखंडे ने जो चीज़ें सही हैं, हालांकि अंकिता लोखंडे कितनी सारी चीज़ें करती है, ये मनारा के साथ उसने कितना ज़्यादा बुरा किया है, विक्की ने कितना ज़्यादा बुरा किया है मनारा के साथ, और मनारा से कितने इनसिक्योरिटी रख के वो जेलस कर रही थी अंकिता लोखंडे, ये साफ तौर पर पता चल रहा था। और कितना ज़्यादा टारगेट जो है लोगों ने मुनावर को, मनारा को और अभिषेक को किया है, ये भी पता लग रहा था। तो अब आरके रूम में बुलाया तो लोगों का कहना ये है कि इन चार लोगों का तमाशा बना पूरे हफ्ते, और ये तीन लोगों ने बनाया, विक्की, समर्थ और ईशा ने बनाया। तो अब ये चारों बैठेंगे, इनका तमाशा देखेंगे कि ये बायसनेस है जो चीज़ें की गई हैं। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि वो विक्की, समर्थ या ईशा के फ़ैन हैं, इसीलिए सब चीज़ें बोल रहे हैं। पर अगर मैं न्यूट्रल तरीके से रह के अगर सोचूं, तो मुझे बस ऐसे ही एक आया माइंड में आई चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि जिस तरीके से इनको बुलाया, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हाँ भाई, जब अपने हक में बात है तो हम तो खुश होंगे ही ना, तो इसीलिए अपने हक में बात है, मैं तो खुश हुई। पर अगर न्यूट्रल तरीके से मैं देखूँ, तो चार लोगों को बुलाया गया, तो बाकी के जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो भी एक सपना सजा के बैठे हैं कि भाई हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम ट्रॉफी जीतेंगे, हमें बाहर जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, एक होप जो है वो अंदर रहती है। तो इन लोगों को एक स्पेशल ट्रीट दे के जो है एक बहुत ही अलग फील करवाया और दूसरों को फील करवाया, मानो कि जैसे ये टॉप फोर बन चुके हैं, जैसे कि लोगों ने बाहर देखा, और वैसे जो है घर के अंदर कंटेस्टेंट भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा लगा होगा। तो जो है डीमोटिवेट डेफिनेटली दूसरे लोगों को हुआ होगा, इनको मोटिवेट तो हुआ ही होगा, पर इसके साथ साथ डीमोटिवेट भी दूसरों को किया है, क्योंकि बिग बॉस जो है, बिग बॉस को न्यूट्रल रहना नहीं आता है, वो बायस्ड ही रहता है, हर साल ही बायस्ड रहता था, अब बोल के जो है बायस्ड है। मुझे ऐसा लगा कि अगर करना था तो भाई, मुझे ऐसा था कि ना ही करते, अगर दूसरों के भी सोचते तो ना ही करते, पर अगर उंगलियां उठवानी है, नेगेटिव बातें करवानी है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टंट था। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।